हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑन डिमांड। ये टाटा नेक्सन का जो ब्लू वेरिएंट है, मुझे जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स मैसेज कर रहे थे उन्हें ब्लू वेरिएंट देखना था टाटा नेक्सन का, तो उसी का मैं ये एक्चुअल शोरूम लुक लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमेशा हम लोग फ्रंट से शुरू करते हैं। ये गाड़ी का फ्रंट देख रहे हैं आप, तो सामने आपको कोई भी चेंजेस में नहीं मिलते हैं, पूरा लुक वैसे ही है। आप मेरा पहले का जो वीडियो, उसका मैं लिंक आपको इसी में दे दूंगा, उसमें जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा साइड से इसकी प्रोफाइलिंग दे देता हूँ गाड़ी की, कैसी लगती है देखने में। तो पहले मैं एज अ होल लुक दे देता हूँ पूरी गाड़ी का, ये कि कैसी लगती है गाड़ी देखने में। तो आप जैसे आपकी का ब्लू वेरिएंट है जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, वो मैं लेके आया आपके लिए। तो साइड में जैसा देखें, पूरा आपका जो प्लास्टिक, आपका जो वाइट है पूरा है, प्लास्टिक इंटेक दिया गया है पूरा यहाँ पे, ये पूरा कॉमन आपको मिल जाता है, ऐसा कोई चेंज इसमें नहीं है। चलते हैं दोस्तों पीछे गाड़ी के। तो पीछे आप देखें, पूरा ये कैरी किया गया है यहाँ से, पूरा कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। नेक्सन वगैरह का पूरा लोगो आपको मिल जाता है, ये XT वेरिएंट है इसका, और XT वेरिएंट के तौर पे भी इसको आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, XT वेरिएंट सर्च करें तो आप इसमें सर्च इस वीडियो को देख सकते हैं, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी XT वेरिएंट के बारे में। बाकी जो लाइट्स वगैरह वो सब पूरी आपको क्लियर लाइट्स में मिलती हैं, जैसे कि आपका जो मैंने पहले वेरिएंट लेके आया था मैं उसको। दोस्तों अंदर चलने के पहले मैं इसका फीचर आपको और दिखा देता हूँ जो आपको XT वेरिएंट में मिल जाता है। मैं पहले जो आपके लिए लेके आया था वेरिएंट, जिसका टॉप मॉडल था, वो भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, खाली आपको ये जो बूट खोलने के लिए आपको ये की प्रेस करके रखनी है, और आपका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है और बूट हमारा खुल गया है। इसको देख लेते हैं यहाँ से। अब तो ये देख रहे हैं, जैसे बूट आपका ओपन हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये बूट स्पेस में भी आपको दिखा चुका हूँ पहले के वीडियो में, फिर भी आप देख लीजिए इसको। ये XT वेरिएंट है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इसको बंद कर दिया। तो XZ प्लस का वीडियो आपको अगर देखना हो तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। साइड में आप देख रहे हैं रूफ रेल्स जो आपको हैं वो भी इसमें आपको मिल जाती हैं, जो आपको एल्यूमिनियम फिनिश पे पूरी दी गई हैं। और कलर जो है इसका सिल्वर फिनिश पूरा मिलता है। बॉडी कलर तो बहुत ही प्यारा है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर। साइड से मैं पूरी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, गाड़ी कैसी लगती है देखने में। तो ओवरऑल लुक गाड़ी का देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको जो व्हील्स हैं वो आपको नॉर्मल व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं इसमें। और जिसे साइड में जैसे देख रहे हैं, क्लैडिंग वगैरह पूरी कॉमन है जो इसका XZ प्लस वेरिएंट है, जो मैंने आपके लिए पहले लेके आया था रेड वेरिएंट। चलते हैं अंदर, अंदर देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या चेंजेस हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो आपके डोर पैनल पूरे हैं वो पूरे सब कुछ सेम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। पूरा पैनल ब्लैक फिनिश आपको इसमें मिल जाती है। जो डोर बटन्स आपकी हैं सब ऑटोमेटिक पूरा दिया गया है, यह आपका डोर विंडो लॉक करने के लिए। चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हम लोग XT वेरिएंट के अंदर आ गए हैं, और आप देख रहे हैं जैसे कि जो काफ़ी चेंजेस आपको इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे जो टच स्क्रीन आपको मिलता था पूरा, जैसे आपने XZ प्लस वेरिएंट जिसका मैं रिव्यू लेके आया था उसमें आपने देखा था, वो आप यहाँ पे नहीं पाएंगे। उसकी जगह आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें आप सारे अपने FM वगैरह सब यहाँ से आप इनपुट वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे, नीचे देख लेते हैं चेंजेस क्या हैं। तो आपको जो AC का पैनल आपके पूरे सेम मिल जाते हैं, साइड में आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, नीचे सारे आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये आपके दोस्तों AC कंट्रोल्स हो गए, तो ये आप देख रहे हैं ऑटो AC इसमें भी आपको मिल जाता है। साइड पूरी राउंडेड बटन्स दी गई हैं आपको, तो रोटरी है ये, आपको यहाँ से इसको घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे AC वगैरह आप यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपने देखा, मैंने AC ऑन कर दिया इसका, और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप देख लेते हैं, तो USB वगैरह की चीज़ें हैं, जो USB और AUX है आपका वो कॉमन है आपका XZ प्लस वेरिएंट से। ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आपको। बीच में देखते हैं तो अगर आपका गियर है, ये भी आपका 6-speed गियर बॉक्स मॉडल है विद रिवर्स है। ऊपर आपको गियर पे फिनिश मिल जाती है अच्छी, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और अगर नीचे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी वेरिएंट अपने सेट करने का, जो आपके मोड्स वगैरह वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि सिटी, इको, स्पोर्ट, वो आप यहाँ से रोटेट करके इसको सेट कर सकते हैं। रोटरी स्विच है, जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, डिस्प्ले में आपको देखने को भी मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर मैं देखूँ तो इसमें आपको स्टेयरिंग में एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा मैंने स्टेयरिंग एडजस्ट कर दी है। हाइट के लिए इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, रीच के लिए एडजस्ट शायद इसमें नहीं है, वो भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो आपको रीच के लिए एडजस्ट नहीं मिलती है, केवल हाइट के लिए मिलती है। बीच में कंसोल देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं इसमें। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका RPM मीटर हो गया, ये स्पीडोमीटर हो गया। बीच में थोड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे आपको XZ प्लस वेरिएंट में मिलता है वैसे आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आप मोड्स वगैरह अपने और सेट वगैरह सब जो भी आपको करना है, क्लॉक वगैरह वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग पे भी आपको इस मॉडल पे भी कंट्रोल मिल जाते हैं, आपके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको इसमें भी मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप बात कर लेते हैं जो इसका ग्लव बॉक्स, इसको भी खोल के देख लेते हैं, तो काफ़ी ह्यूज है, जैसे कि XZ प्लस वेरिएंट में था वैसे इसमें आपको मिल जाता है। ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, आपकी लैपटॉप ट्रे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों बंद कर देते हैं। साइड में पूरा आपका पूरा सेम है, जैसे कुछ भी फ़र्क नहीं है XZ प्लस वेरिएंट से। साइड में पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। थोड़ा सा मैं आपको वर्टिकल लुक दे देता हूँ पूरे मिडिल कंसोल का, तो आप पूरा देख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे भी आपको पूरा ये मिल जाता है जगह रखने के लिए, ग्लव बॉक्स ठीक ठाक जगह है। उसके बाद आपका जो ये यहाँ पे आपको XZ में आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट मिल जाता है, वो इसमें नहीं मिलता है आपको। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया,
तो थोड़े बहुत चेंजेस में किए गए हैं, माइनर चेंजेस किए गए हैं, जो आपको फ़र्क दिख रहा है वो मैंने आपको लेके आया मैं इस वीडियो में, जो ये XT वेरिएंट है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो मुझे जो कॉमन लगा, जो थोड़ा सा अलग फीचर है, वो सबसे ज़्यादा विजिबल फीचर जो है जो नहीं मिलता आपको, जो XZ Plus वेरिएंट है वो आपको टच स्क्रीन यहाँ पे नहीं मिलती है, जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप XZ Plus का जो वीडियो है वो जाके मेरे ऊपर मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसको, तो आपको डिफरेंसेस और भी विजिबल हो जाएंगे। बाकी बात कर लेते हैं पैडल्स की, तो ये आपका वाइपर के लिए हो गया, ये आपका जो है ये आपके लाइट एडजस्ट करने के लिए हो गया, और बाकी में सब मैंने आपको दिखा दिया। जैसे कि आपके AC वेंट्स वगैरह हैं वो आपके पूरे आपको क्रोम मिल जाती है साइड में। ये आपका कीलेस एंट्री मॉडल नहीं है, यहाँ पे आपको की लगानी पड़ेगी। जैसे XZ Plus वेरिएंट था उसमें आपको बटन मिल जाती थी और स्टार्ट करने के लिए गाड़ी, इसमें आपको नहीं मिलती है। तो ये सब फीचर उसी हिसाब से प्राइस भी रखा जाता है गाड़ी का, इसका प्राइस वगैरह, गाड़ी का जो इन्फॉर्मेशन है आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ इसके बारे में, इस मॉडल के बारे में आप और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पीछे फ्रंट में। मैंने हिसाब से आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है जो भी चेंजेस में है। साइड में भी आपको यहाँ पे जो फिनिश है वो आपको कॉमन मिल जाती है, जो पूरी सिल्वर फिनिश है, जो एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों चलते हैं पीछे, पीछे से देख लेते हैं कि गाड़ी कैसी लगती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अगर इसको ऑन करें, चलिए मैं पीछे से पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, पीछे से गाड़ी कैसी लगती है देखने में। तो दोस्तों अब हम लोग टाटा नेक्सन XT के पीछे आ गए, मैं पीछे से आपको लुक दे रहा हूँ गाड़ी के फ्रंट का। तो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको कि जो ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम वो गायब है इसमें, तो लेकिन लोगों के प्राइस के हिसाब से, रेंज के हिसाब से गाड़ियों में चेंजेस किए जाते हैं, जिसमें कि प्राइस के हिसाब से गाड़ी आप लोग ले सकें और आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में चीज़ मिल जाए, और जो फीचर्स जितने में जिस हिसाब से गाड़ी कंपनी की कॉस्टिंग होती है उस हिसाब से फीचर्स देती है कंपनी मॉडल के हिसाब से। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इसमें पीछे भी आपको पूरा ये रियर कूलिंग भी मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये एक अच्छा एडिशन है कि इसको इन्होंने नहीं हटाया है। तो पूरी आप अगर डिज़ाइन देखते हो तो पूरी आपको फ्लोइंग डिज़ाइन मिल जाती है ऊपर से नीचे तक, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बात कर लेते हैं इसके जो साइड्स में दिए गए आपको देखने में, यहाँ पे भी आपको पूरा ये विंडो के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो XT वेरिएंट है, जो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा आपका ये पियानो फिनिश पे दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू टाटा नेक्सन XT का। तो मैंने आपको इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर रिव्यू दोनों दिखाया और गाड़ी में जो चेंजेस थे वो भी बताए। बाकी जो आप इसको आपको कंपेयर करना हो तो मेरा आपको लिंक में XZ Plus वेरिएंट का भी वीडियो रिव्यू मिल जाएगा, तो वो मेरी चैनल पे भी आपको सबसे ऊपर मिलेगा देखने के लिए, इसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में और चेंजेस देख सकते हैं। बाकी अगर पीछे की बात करते हैं ऐसा कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलता, प्रॉपर आपको सीटिंग है, प्रॉपर लेगरूम, प्रॉपर हेडरूम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली आप जाइए और इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। तो दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।